गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा, तो आप व्हाट्सएप में हमारे प्रीमियम मेंबरशिप का प्लान में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे ही कहानियाँ शेयर किया जाएंगी। लेकिन अभी आप इस कहानी को सुनिए, और इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं काव्या अपनी ज़िंदगी की कुछ खट्टी मीठी और पुरानी यादें आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ताकि मैं इन यादों को भी ताज़ा कर सकूँ और ज़िंदगी के बीते कुछ प्यारे लम्हों को आप लोगों बता सकूं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, तो ये बात शादी के करीब 3 साल पहले की, शादी के करीब 3 साल बाद की है। और लेकिन मैं इस कहानी की शुरुआत होती है शादी से 2-3 साल पहले। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मेरी शादी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के और 2 साल बाद हुई है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तभी मेरी मुलाकात राघव से हुई। राघव जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ, वो देखने में बहुत ही अच्छा था, मुझसे देखने में काफ़ी अच्छा था, ये तो आप समझ सकते हैं। मेरा रंग उतना गोरा नहीं था, मैं थोड़ी सांवले रंग की थी, लेकिन राघव बहुत ही अच्छा दिखता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था, मैं उससे कभी कदार बात कर लेती। वो मेरे लाइफ का एक क्रश था, लेकिन मैं नहीं, मतलब मैं उसकी लाइफ में कोई उसकी क्रश नहीं थी। वो मुझे एज अ फ्रेंड मानता, लेकिन मैं उसे एज अ फ्रेंड नहीं मानती, फ्रेंड से ज़्यादा कुछ मानती। ये सब बातें उन्हें शेयर तो करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। एक बात तो है ना दोस्तों, आप ज़िंदगी में ये चाहते हो कि जिसे आप पसंद करो वो आपको मिल जाए, लेकिन अक्सर वो इंसान हमें नहीं मिल पाता जिन्हें हम पसंद करते हैं। यही सब कुछ मेरे साथ भी था। ऐसे ही समय गुजर रहा था, और फिर धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, और ग्रेजुएशन तक भी मैं उसे अपनी बात दिल की नहीं बता पाई। वो उस दिन मुझे जब आखिरी बार मिला, तो हम अपने कॉलेज के फेयरवेल में मिले थे। उस दिन मेरी सब फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि जाओ जाकर राघव को अपने दिल की बात बताओ, कम से कम एक बार आखिरी बार मिल तो लो। मैं उसके पास गई, हल्का सा उसे देखकर मुस्कुराई और बाय करके वापस आ गई। मुझे ही पता है उस दिन मैं कितना रोई थी, लेकिन अपने दिल की बात उसे बता ना पाई थी। खैर बाद में जब रिजल्ट निकला, तो पता चला कि वो बाहर चला गया। मैं अपने होम टाउन में ही थी, मुझे आगे की पढ़ाई होम टाउन से ही करनी थी, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं। ये रिश्ता, ये रिलेशन यहीं ख़त्म हो गया। शायद इस रिलेशन का कोई नाम ही नहीं था, बेनाम सा एक रिलेशन। और ऐसे ही समय गुजर रहा था, और वो मेरे लाइफ में जैसे अब नहीं था। मैं ग्रेजुएशन पूरी की, और लेकिन अब मुझे किसी भी लड़के पर कभी दिल नहीं आया। इसीलिए जब घर वालों ने शादी की बात कही, तो मैंने बस इतना कहा कि जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग खोज लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दो रिश्ते आए, अक्सर रिश्ते जब आते तो मेरे रंग के वजह से ना बोल देते, लेकिन फिर मेरी शादी मोहित जी से हो गई, जो मेरे पति हैं। शादी के बाद की बात, शादी तक मेरा रिश्ता सही था। फ़ोन पर एक दो बार मेरी उनसे बातचीत हुई थी। मोहित जी एक अच्छे कंपनी में काम करते, वो देखने में भी ठीक ठाक थे, लेकिन उनमें थोड़ा गुरूर जरूर था, उनके घर वालों में भी। लेकिन इस सीट से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शादी के बाद तो अपने ससुराल वालों के साथ रहने वाली नहीं थी। तो ऐसे ही समय गुजरा और मैं शादी हो गई। दोस्तों शादी के बाद की बात जो हर लड़की के लाइफ में बहुत अलग मोड़ लाता है, हर कोई अपनी लाइफ से बहुत खुश भी होता है, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं भी अपने लाइफ में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी शादी हुई और बहुत ही जल्दी मेरा ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया, और देखते ही देखते 1 साल बीत गए। दोस्तों
इसके बाद कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब एक साल बाद किस तरह मैं वापस राघव से मिली, क्यों मेरे शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आई और क्यों ही मैं दोबारा राघव से कुछ चाहती थी ज़िंदगी में, क्या चाहती थी और कैसे मुझे ये सब मिला, जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। आपसे इस चैनल पर हर रोज़ दो कहानियाँ आएंगी, सुबह एक कहानी, शाम में एक कहानी। तो आज रात के 9 बजे का इंतज़ार कीजिए सेकंड कहानी का। टिल देन अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।